विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। आज आप धोरण 11 विषय तत्वज्ञान चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 3 में सर्वदेशिक विधिवाचक विधान और तेना प्रकारों समझीशू। तो उद्देश्य पद द्वारा निर्देशता वर्गना तमाम सभ्यों विधेय द्वारा निर्देशों में समावेश थत हो, कोईपण वर्गना तमाम सभ्यों ने वर्ग में समावेशन थत हो विधान ने अपने सर्वदेशी विधिवाचक विधान कहे। विधिवाचक विधान में बे वर्गो वच्चेना समावेशनों स्वीकार थाय छे। सर्व बाळको निर्दोष व्यक्तिओ छे, सर्व शिक्षकों भणेली व्यक्तिओ छे। तो सर्वदेशी विधिवाचक गुजराती में हाँ अने अंग्रेजी में ए प्रतीक वपराय छे। तो प्रश्न पूछाय सर्वदेशी विधिवाचक में प्रतीक तरीके से गुजराती में हाँ अने अंग्रेजी में ए प्रतीक वपराय छे। आम सर्वदेशी विधिवाचक विधान स्पष्ट रीते हाँ उत्तर विधाय ने वी में मूकीने हा तार्किक रूप रजूआत करी शकाय छे। सर्वदेशी निषेधवाचक विधान उद्देश्य पद द्वारा वर्गनो एकपण सभ्य विधेय द्वारा निर्देशता वर्ग में समावेश पामतो नथी तेने सर्वदेशी निषेधवाचक विधान कहे छे। जे वर्ग में समावेश पामतो नथी, दाखला तरीके नकारमां वाक्य बनशे कोईपण अध्यापक अभण व्यक्ति नथी, कोईपण सहित देशद्रोही व्यक्ति नथी, सर्व नेताओ सेवाभावी होता नथी अथवा कोईपण नेताओ सेवाभावी होता नथी। तो सर्वदेशी निषेधवाचक गुजराती में ना अंग्रेजी में ई प्रतीक तरीके वपराय छे। एकादशी विधिवाचक विधान उद्देश्य पद द्वारा निर्देशता वर्गना केटलाक सभ्यो विधेय द्वारा निर्देशता वर्ग में समावेश पामे छे। आवा विधान ने अपने एकादशी विधिवाचक विधान कहे छे। आम एकादशी विधिवाचक विधान में बे वर्ग वच्चेनो समावेशनो आंशिक रीते स्वीकार थाय छे। केटलाक संतो परोपकारी व्यक्तिओ छे, केटलाक माणसो दयाळु होय छे, केटलाक वेपारीओ प्रामाणिक व्यक्तिओ होय छे, केटलाक विद्यार्थीओ होशियार होय छे। तो आमा गुजराती में ह अने अंग्रेजी में आय प्रतीक वापरवामां आवे छे जे विधानना दृष्टांतोनी रजूआत करे छे। एकादशी निषेधवाचक विधान उद्देश्य पद द्वारा निर्देशता वर्गना केटलाक सभ्यो विधेय दाता निर्देशता वर्ग में समावेश पामता नथी। आम आवा विधान ने एकादशी निषेधवाचक विधान कहे छे। आ विधान में बे वर्ग में समावेश वच्चेनो वर्ग समावेशनो आंशिक रीते स्वीकार थयो छे। केटलाक नागरिकों मतदान करनार व्यक्तिओ नथी नकार में बनशे, निषेधक वाचक हमेशा नकार में बने। केटलाक नागरिकों मतदान करनार व्यक्तिओ नथी, केटलाक नेताओ भाषण प्रेमी व्यक्तिओ नथी, केटलाक शिक्षकों दयाळु होता नथी। तो एकादशी निषेधवाचक विधान में गुजराती में न अने अंग्रेजी में ओ प्रतीक वपराय छे। तो जेने प्रतीकात्मक तरीके केटलाक उ नथी ए मान्य रूप रजूआतना आधारे ईयाता उद्देश्य पद विधेय पद अने संयोजकना आधारे कोष्टक छे। विधानो प्रकार हाँ तो एनु ईयाता दर्शक थशे हाँ, उद्देश्य पद उ, विधेय पद वी अने संयोजक छे। एटले विधानो प्रकार ना होय तो कोईपण उ वी अने नथी, ह होय तो केटलाक उ वी अने छे, न होय तो केटलाक उ वी अने नथी। आम विशिष्ट व्यक्तिवाचक विधानोने सर्वदेशी विधानोने तरीके घटावी शकाय। जो विधानोमां वर्ग समावेशनना संबंधोनो स्वीकार थयो छे तो विधानो हा, अने जो निषेध थयो होय तो विधानमां ना तरीके स्वीकार करवामां आवे छे। गांधीजी राष्ट्रपिता छे तो हा, तत्वज्ञान अघरो विषय नथी तो ना। विधानमां पदोनी व्याप्ति तो निरुपाधिक विधानोमां बनेली दलीलोनुं मूल्यांकन करती वखते निरुपाधिक विधाननो उद्देश्य पद तेमज विधेय पद व्याप्त होय छे ए नक्की करवुं जरूरी छे। तेथी निरुपाधिक विधानना चारे प्रकारोमां पदोनी व्याप्ति जरूरी छे। तो व्याप्त पद कोने कहे छे? तो जे विधानमां वर्गोना सर्व सभ्योनो उल्लेख थयो होय अने वर्गनो निर्देश थाय तेने व्याप्त पद कहे छे। जरे विधान वर्गमां केटलाक सभ्योनो उल्लेख थयो होय जे वर्गनो निर्देश करनारो उद्देश्य पद होय तेने अव्याप्त पद कहे छे। व्याप्त पद अने उद्देश्य पद, तो उद्देश्य पदनी व्याप्ति सर्वदेशी निरुपाधिक विधानमां उद्देश्य पद द्वारा निर्देशता वर्गना सर्व सभ्यनो उल्लेख थाय छे। हा अने ना बंने सर्वदेशी विधान होवाथी प्रत्येक उद्देश्य पद शुं छे? व्याप्त पद। तो व्याप्त पदना निर्देशको शुं छे? हा अने ना। तो ना विधानना सर्वदेशी हितकारक કોઈપણના આધારે વ્યાપ્ત પદ હોય છે। આપણે જાણીએ છીએ કે નિરુપાધિક વિધાનમાં ઉદ્દેશ પદ દ્વારા
નિર્દેશાતા વર્ગના કેટલાક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયેલો હોય છે, જે હા ના અને એકાદશી વિધાનોમાં હોવાથી પ્રત્યેક વિધાન ઉદ્દેશપદનું અવ્યાપ્ત હોય છે. આમ હ તથા ન વિધાનમાં ઉદ્દેશપદ આગળ આવેલી એકાદશી ઇતિકાળના આધારે તેમને ઉદ્દેશપદ અવ્યાપ્ત હોય છે એમ નિર્ણય પણ કરી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૃહકાર્ય નોંધી લેશું. નિરુપાધિક વિધાનનું બંધારણ બાદ નિરુપાધિક વર્ગોની સમજૂતી, વર્ગ સમાવેશન વગેરેના સંબંધો એ બંને પ્રશ્નો તેમજ નિરુપાધિક વિધાનના પ્રકારો ઇયતાની દ્રષ્ટિએ એ ત્રણેય પ્રશ્નો લખીને મોઢે કરવાનું રહેશે. પ્રણામ.